ठीक है दिलांशी, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप सभी बहुत अच्छे लग रहे थे पैनल में, जब संदीप भी दिखे हमको, पूजा भी दिखे, आज कलरफुल पैनल है। और बाकी भी पैनल लिखा और कलरफुल, आप देखिए स्टूडियो में कितने कलरफुल स्टूडियो का पूरा स्टूडियो का सीन है, इससे ज्यादा कलरफुल हो नहीं सकता। देखिए जरा देवांशी को भी लीजिए भाई, पूरा सारा हाथ देवांशी ने ऐसा क्या किया जो उनको चाहिए। सबसे ज्यादा कलरफुल तो देवांशी लग रही है। थैंक यू सर, आप भी बहुत ग्रीन एंड गोल्डन, ग्रीन मैंने गुड मॉर्निंग। और जरा विंडो भी दिखाइए, जरा कुणाल जी राकेश जी के भी दर्शन कर लिए जाए। राकेश जी भी कुछ तो अच्छे ही पहन के आए होंगे। हाँ राकेश जी भी देखिए कुर्ते में बहुत बेहतरीन, राकेश जी तो बिल्कुल डैशिंग है। राकेश जी ऑलवेज डैशिंग, राकेश जी की तो पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है। इन्होंने फेसबुक पे अपनी मदर के साथ एक फोटो डाली है, वो भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत इमोशनल फोटो है। इसलिए मेरे में सवाल आ रहा है कि राकेश जी कभी ऐसा हुआ है कि होली में आप इतना रंग खेल के आए हो, आपको घर वालों ने पहचाने नहीं हो गए आप राकेश जी? डिंपी जी तो हर साल होता है मेरे साथ। ये रंग की वजह से होता है, आई होप भंग की वजह से नहीं होता। ऐसा ना हो रंग की वजह से नहीं घर वाले ने पहचाने तब तक ठीक है, ऐसा ना हो कि ये भंग की वजह से घर ना पहचान पाए ये मेरा घर कौन सा है। चलिए आइए पिक्स की करते हैं शुरुआत। राकेश जी आप ही इनॉग्रेशन कर दीजिए आज की पिक्स का, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पहले तो अनिल जी एंटायर जी बिजनेस को, आपको, डिंपी जी को, सब गेस्ट पैनल को और सब व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी आज जो मेरी पिक्स हैं, दो तरह की पिक्स हैं, एक तो हाई रिस्क पिक्स हैं, दो लो प्राइस स्टॉक्स हैं। पहला है सीजी पावर। सीजी पावर ने एक नेकलाइन को तोड़ा है और जिस तरीके से सीजी पावर का टेक्निकल रुझान है, यहां पर एक बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 44 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी की राय रहेगी 49.5 के टारगेट के लिए। दूसरी खरीदारी की राय है जीएमआर इंफ्रा पर, यहां पर भी टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। 16.60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 19.50 रुपए के लक्ष्य के लिए जीएमआर इंफ्रा को खरीदने की राय है। और एक लार्ज, एक हाई प्राइस स्टॉक आईजीएल, यह भी काफी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक ने कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, 288 का स्टॉप लॉस 316 के लक्ष्य के लिए आईजीएल में खरीदारी की राय है। ठीक है, एक आईजीएल आप कह रहे हैं और एक सीजी पावर आप कह रहे हैं कि दोनों पे खरीदारी की जा सकती है, दोनों मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, इस पे आप जरूर ध्यान रखें। आईजीएल और एक सीजी पावर है। ठीक है शुभम, गुड मॉर्निंग और आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिंपी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, होली की सभी को बहुत शुभकामनाएं। और मार्केट का आज का एक्सपायरी का रंग भी हरा बना रहे, ये हमारी वहां पे भी शुभकामनाएं। दो स्टॉक है, दोनों ही खरीदारी की तरफ है। पहला जो है वो आरबीएल बैंक पर है। अगर आरबीएल बैंक को हम देखें, पूरे ही बैंकिंग स्पेस में मिड कैप बैंक में काफी अच्छा यहाँ पे रैली देखने को मिल रहा है और आरबीएल बैंक कुछ समय से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और अब मुझे लगता है कि न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ अब यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन के भी अगर डेटा में देखें तो 660 का जो कॉल ऑप्शन जो सबसे हेवीएस्ट स्ट्राइक था वहां पे कल अनवाइंडिंग होना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि कॉल राइटर अपने पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे करने की सलाह है। बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है तो इसीलिए यहाँ पे स्प्रेड के थ्रू यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 660 का कॉल खरीदे, 680 का कॉल बेचे, 4.40 रुपए का यह स्प्रेड है, 12 रुपए का यहाँ पे टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 0। बिकॉज यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 4.40 रुपए का ही है। और जो दूसरा स्टॉक जो खरीदना है वो है टाइटन। टाइटन को अगर हम देखें तो काफी समय से कंटिन्यूअसली न्यू हाई बनाता जा रहा है और अब यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा काफी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। बिकॉज 1100 के लेवल पे कॉल राइटिंग था, कल वहां पे अनवाइंडिंग हुआ और इनफैक्ट पुट में भी काफी राइटिंग देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि अब ये न्यू हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल, बिकॉज मोमेंटम ड्रिवन ये स्टॉक हो सकता है, तो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी 1120 का कॉल ऑप्शन जो 13.50 रुपए के आसपास है उसको यहाँ पे खरीदे, 25 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 7 रुपए का। ठीक है, जो टाइटन की ऑप्शन आपको लेनी है, कॉल लेनी है तो सीधा सीधा कॉल आपको लेनी होगी 1120 की, 1450 ओवर मिल जाएगी, 25 का टारगेट, 7 का स्टॉप लॉस है। आरबीएल में आपको ये करना है कि 660 की कॉल को खरीदना है और 680 की कॉल को बेचना है। चलेगा तो कॉल का बेनिफिट मिलेगा और ऊपर जाके जब थकावट आएगी तो कॉल बिके हुई कॉल का बेनिफिट भी आपके ही अकाउंट में आएगा, इसलिए स्टॉप लॉस कुछ ना रखें, 0 हो जाएगा। 4.50 रुपए कुल मिला के खर्चा है इसका है और 12 रुपए का होगा टारगेट। इस बीच पूरे पैनल में सबसे ज्यादा पैसा रखने वाले और सबसे ज्यादा रसूख रखने वाले आजकल बाजार के अंदर वो है म्यूचुअल फंड्स, और सुंदरम म्यूचुअल फंड्स के सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़े हैं।
सुनील सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप वापस स्टूडियो में आए, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सुनील सर की एक खास बात है आज, आज मतलब ये इनकी एक मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कितने जिंदा दिल इंसान है इसका पता चलता है कि आज होली के स्पेशल मौके पर हमने जब इन्हें इनवाइट किया कि सर स्टूडियो आई है तो स्पेशल कुर्ता खरीद कर लाए हैं स्टूडियो सर, ये सही है ना? सही है बिल्कुल। तो ये है ना वो पत्रकार वाली जानकारी आपने निकाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार तो यही है सर। बहुत बहुत आपको होली की शुभकामनाएं बधाई आपको भी सर, बहुत बहुत बधाई आपको और एक कुर्ते की भी बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये कुर्ता, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी में खरीदा गया है। नहीं नहीं बहुत किसी और की हेल्प ली कि आपने फिर से चुन लिया ये फ्रेंड था साथ में। बताएं सर बाजार पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए बाजार पे क्या है कि वो बहुत बढ़िया जो शिफ्ट हुआ है वो है कॉन्फिडेंस आ गई है FIIs और डोमेस्टिक MF में कि ये गवर्नमेंट की वापसी की। तो अगर वो होता है तो चीज तो पिछले 6 महीने में जो भी एक रिस्क ऑफ सिचुएशन यानी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण जो स्टॉक्स और सेक्टर्स बीट डाउन हुए थे, अब जब कंटिन्यूटी आती गवर्नमेंट में तो नेचुरली वो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट 5 साल से चला रही थी उसका कंटिन्यूटी दिखेगा, तो नेचुरली उसमें बाउंस बैक रैली दिख रहा है हमारे लिए, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में। और उनके अंदर मैं कहूंगा कि जो साइक्लिकल्स जो हर बार पिटाई होता है तो एकदम ज्यादा गिरते हैं और उछाल होती है तो बहुत ज्यादा उछलते हैं, उनके अभी जमाना शुरू हो गई है। और ऐसे साइक्लिकल्स में क्या होता है कि एक माहौल अच्छा होना चाहिए, वो अभी सामने दिख रहा है और अंडरलाइन सपोर्ट इसके लिए आ रहा है दो चीजों से। मैं एक कहूंगा कि कंजम्पशन की स्टोरी, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटा बढ़त और जिसमें जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की जो बढ़त हो रही है उसके कारण जो कंजम्पशन की स्टोरी अगले 3-5 साल के लिए बहुत मजबूत दिख रही है, उसके कारण एक चीज हो रही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में जो ओवरऑल करीबन 76% के लेवल पे है, पर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे 80% प्लस, जैसे सीमेंट स्टील, यहां पे आप 80% को पार करके देख रहे हैं। तो फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन का जमाना मेरे को करीबन 1-1.5 साल में जरूर दिख रहा है, तो उसके कारण कैपिटल गुड्स की जो साइकिल स्टोरी है वो है। सेकंड चीज है जो NBFC क्राइसिस के कारण ये ऑटो सेक्टर और जो भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ा एक दबाव आया था क्योंकि फ्रेश लेंडिंग नहीं हो रही थी। अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि NPA की प्रेशर कम हो गई है बैंक्स में, वो स्पेस में शिफ्ट होके सभी जगह में हम देखेंगे क्रेडिट सर्विसेज की क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, इंडस्ट्री की क्रेडिट बढ़ रही है और बैंक्स बहुत जबरदस्त लेंडिंग की कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ रही है। काम भी है और काम था, मगर पहले क्या था कि क्योंकि NPA के कारण उनको कॉर्पोरेट लेंडिंग में थोड़ा उनको एक यू नो डर आ गया था और रिटेल लेंडिंग में दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द NBFC जिनका एक एग्रेशन और रिटेल जाके फोन करो इमीडिएटली 30 सेकंड्स में लोन दिलवाओ ऐसी चीजें में बैंक कम्पीट नहीं कर पाए थे। पर आज NBFC की लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण बैंक सावधानी से एक अप्रेजल करके एक प्रोग्राम बना के लेंडिंग की प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो एकदम दबाव में आया था NPA के जो एक माहौल के कारण वो अभी एकदम बदल के अभी देखेंगे हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नंबर्स इंप्रूव होते आएंगे, लेंडिंग इंप्रूव आई और जब इकोनॉमी की ग्रोथ होती है तो बैंकिंग का तो ऑटोमेटिकली आप समझे ब्लड सर्कुलेशन की तरह होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक दो बहुत बड़ा चीज हुआ है, एक कॉर्पोरेट बैंक्स खास करके प्राइवेट सेक्टर में अभी मानता हूं मैं, पब्लिक सेक्टर में कुछ गिने चुने गुड क्वालिटी बैंक्स। तो जो अभी आपने चुनाव वाला ट्रिगर बोला तो चुनाव वाले ट्रिगर को और आपके कामकाज को मिलाकर हमने एक शो बनाया है चुनावी फंडा। अच्छा। फंड वाले आप हैं और चुनाव आ रहे हैं। हाँ। तो हमने एक खास रिसर्च की है सर इस बार और रिसर्च ये की कि 1999 2004 2009 और 2014 ये 4 इलेक्शन जो हुए हैं पिछले 20 साल के, इन 20 सालों के चुनाव के पहले चुनाव के बाद म्यूचुअल फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है और अगर आपने चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले ही सर जैसे 23 मई है 23 मई के एक दिन पहले 22 मई वो छुट्टी का दिन है करेक्ट तो शनिवार है। हाँ। 21 मई को अगर आपने पैसा लगाया मार्केट में तो आपका कितने पैसे बन सकते हैं इसका हमने एक विश्लेषण किया और ये खास शो चुनावी फंडा। अच्छा। ये आपको देखना है शुक्रवार को दोपहर 12 बजे 11:56 पे एक झलक आपको दिखा दे। इन्वेस्टर्स पैसा चुनाव से पहले लगाएं या चुनाव के बाद, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कैसे करें फंड का चुनाव, है ना थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस यही शो देखिए चुनावी फंडा, हमारे साथ जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने बड़े दिग्गज विजय मंत्री, बताएंगे आपको इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो
आपके पोर्टफोलियो में पैसा जरूर बनेगा, फिर चाहे इक्विटी हो या फिर फिक्स इनकम। तो देखिए चुनावी फंडा सिर्फ जी बिजनेस पर। तो पूरी तरह से ये शो इन्वेस्टर्स के लिए, तो जो इन्वेस्टर्स चुनाव के पहले और चुनाव के बाद अपनी इक्विटी में किस तरह से पैसा लगाना चाहते हैं, इसी शो में डिम्पी एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, और वो रिसर्च फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड पर भी की, डेट फंड पर भी, कि किस तरह से डेट फंड इतने आकर्षक है इस वक्त, वो भी हमने इसमें समझाया। तो अगर आप डेट इन्वेस्टर हैं, इक्विटी इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्टर होना चाहिए। तो ट्रेडिंग वालों का काम तो सारा शुभम जी और राकेश जी कर ही रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और अच्छे ढंग से पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये शो बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्या ये शो आपने देख लेना, आपको उसके बाद मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, चुनाव तक आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि बाजार में पैसा कब लगाऊं, कहां लगाऊं, कैसे लगाऊं, मतलब ये मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूँ, ये शो देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाए तो बता दीजिए। डेट फंड, इक्विटी सब मिक्स, और कब लगाना है, सब कुछ, सब कुछ, और किस तरह के फंड में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है, डाइवर्सिफाइड में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में, हर चीज आपको मिल जाएगी। तो एक बार समय वापस से बता दीजिए फिर। शुक्रवार, परसों, शुक्रवार, कल होली मना के आइएगा, ठीक है, परसों दोपहर 12 बजे। हाँ, होली से हो जाइए फ्री, उसके बाद आप ये शेयर भी आराम से देख पाएंगे। खैर, इस बीच काफी सारे शेयर हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, और कुणाल जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कुणाल जी का भी एक बार स्वागत करते हैं। कुणाल जी के लिए वैसे होली की अहमियत भी बढ़ गई है। कुणाल जी, इस होली की आपको बहुत बहुत बधाई, आपको डबल बधाई है इस बार तो, और विजय चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आज अच्छी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको भी होली की। कुणाल जी, आपके आज के ट्रेड से कर रहे हैं शुरुआत, बताएं सर। बधाई, और अनिल जी आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई और गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अनिल जी, कल मुझे एक साहब मिले और उन्होंने एक बात मुझसे कही और मुझे कहा है कि वो आप तक मैं पहुंचा दूं। तो उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, वो बरसों से इंग्लिश बिजनेस चैनल देखते आए हैं, और आपके जी बिजनेस में आ जाने के बाद उन्होंने इंग्लिश बिजनेस चैनल छोड़कर हिंदी जी बिजनेस देखना शुरू किया है, और वो कहते हैं वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपका अंदाज बहुत अच्छा है, वो ये कहते हैं कि जो जानकारी आप देते हैं उसका वाकई में कोई दूसरा मिसाल नहीं है, वो कहते बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपका शो है। एक और सुझाव उन्होंने दिया है, उनका ये कहना है कि भाई किसी तरह अनिल सिंघवी जी को शेयर मार्केट में आप लिस्ट करवा दें, तो उससे क्या है कि रोज रोज ये टिप्स, ये जो हम कॉल्स देते हैं, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे अनिल सिंघवी को रेकमेंड कर देंगे, और मैं और राकेश जी होली ओन्ड सब्सिडरीज हो जाएंगे, तो हम भी इस बहाने लिस्ट हो जाएंगे, और डिम्पी जी स्टेप डाउन सब्सिडरी हो जाएंगे, तो ये भी लिस्ट हो जाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कुणाल जी, मैंने सीए तो किया ही है, साथ में सीएस कंपनी सेक्रेटरी भी किया है, तो थोड़ी बहुत है ना, मैं कंपनी के कानून की जानकारी रखता हूँ, और उसके मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में 7 डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, और इस स्क्रीन पे इस वक्त मुझे 7 के 7 लोग नजर आ रहे हैं। तो ये 7ों की कंपनी हमारी बन चुकी है बिल्कुल, और हम जब भी लिस्ट होंगे साथ साथ ही लिस्ट होंगे, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी हो तो 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो 7 डायरेक्टर चाहिए, तो हम 7ों हैं और 7ों साथ साथ है। थैंक यू सो मच, और जिसने भी आपको ये कमेंट और कॉम्प्लीमेंट दिया उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर पहुंचाएगा, कोशिश ये करेंगे कि आगे भी और ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज मैं बताना भी चाहता हूँ, कॉन्शियसली हमने अब थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग के साथ साथ अच्छी रिसर्च क्वालिटी कंटेंट पर भी फोकस बढ़ा दिया है, और ये इसीलिए हम बात कर रहे थे कि आप शुक्रवार को 12 बजे देखिएगा चुनाव है ना, बुधवार, और हाँ आज भी तो है, आज बुधवार ही है, बुधवार है, 10:30 बजे क्या आएगा, गुरुकुल का दिन है आज, गुरुकुल का दिन है, 10:30 बजे लगेगी क्लास, गुरुकुल में कौन सी क्लास रहेगी जरा देखती है। क्या आपने सीमेंट देखा है, छुआ है, इस्तेमाल किया है, और क्या आपने सीमेंट शेयर में कभी पैसा लगाया है, उनको खरीदा है, खरीदा है ना, लेकिन ऐसे ही बिना सोचे समझे, राइट। तो आइए इस बार हम आपको समझाएंगे सीमेंट सेक्टर की बारीकियां रिसर्च गुरुकुल। ये जो गुरुकुल वाला भी प्रोमो देख रहे थे, ये बिल्कुल सीधा सीधा वाला गुरुकुल है, और किसी भी गुरुकुल के अंदर ऐसा नहीं होता जब तक आप दूसरी तस्वीर ना देख लें। इसलिए सुनील जी ये दूसरी तस्वीर भी अभी देखिएगा, एक एक, एक गुरुकुल है, और कुणाल जी मेरे को लग रहा है जिन्होंने आपको एक कमेंट दिया ना, उन्होंने दूसरा गुरुकुल वाला हिस्सा भी देखा है, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस बात करते हैं फिर इस पे। प्रोमो रिकॉर्ड करना अंकल, 3, 2, 1 के साथ। क्या आपने, अरे रुकना भाई, टाइम बना रहे, अभी तो रिहर्सल चल रही है। अरे ठीक है भाई यार, सब सही है, चलो यार, जय माता दी बोलो।
मैं सर के चांद पे ना इसी चला दे यार भाई पानी उतरा है। अरे थॉट्स होते हैं मेरे दिमाग में। डन प्रोमो ठीक है शायद सारू छे परफेक्ट छे स्टैंडिंग ओवेशन दे देते। ये मुकम्मल तस्वीर है गुरुकुल का। गुरुकुल का एक हिस्सा तो ठीक था, वो तो शरीफों वाला गुरुकुल था, लेकिन पूरा गुरुकुल ये बनता है। नहीं देखिए डिम्पी, मजा तभी है कि जब आप हंसते खेलते सारे काम करा लें तो क्या थकान नहीं आती सर। से बड़ी बात है, पता नहीं चलता कि इस उम्र में आप फिर कैसे काम कर जाते हैं। तो मजा आता है ये करने में, बिल्कुल इसमें कोई डाउट। कुणाल जी आपके शेयर्स बाकी है बताने जी। दो काउंटर्स डिम्पी जी जिनमें खरीदारी करनी है, एक काउंटर का जिक्र हमने कल किया था और वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जिसमें कि पहला लक्ष्य तो कल ही हासिल हुआ था, उसके बाद ये काउंटर थोड़ा नीचे भी आया है। मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन इसमें पूरी तरह से प्रूफ हो गया है कल के बाद, तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 1450 रुपए तक के लक्ष्य इसमें आते हुए दिखेंगे, 1375 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर जुबिलेंट फूड वर्क्स को बाय करना चाहिए। और दूसरा काउंटर है पीएफसी, जिसमें कि हमने बहुत तेज रफ्तार बढ़त हाल में देखी है और कल भी आप देखिए कि डे हाई के आसपास ये काउंटर बंद हुआ, बड़ी तेजी बनते हुए देखी इसमें भी और आरईसी में भी। मुझे लगता है पीएफसी को बाय करना चाहिए, 116 रुपए पर अब एक स्टॉप लॉस रखें, 129 का टारगेट मुझे लगता है आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक में है इसको मिस नहीं करना चाहिए, तो दोनों काउंटर्स मेरी राय में खरीदने चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट फूड वर्क खरीदना है, कल भी आप इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कल तो तीन तीन एनालिस्ट ने कहा, आज आप भी फिर से कह रहे हैं। और एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, आरईसी पीएफसी की जोड़ी कल अच्छी चली, पीएफसी आज आपको खरीदना है। विजय चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके शेयर कौन से सर, इस तरह के बाजार में जो आप शेयर के रिसर्च करके लाते हैं ना, वो तो बड़ी गजब की है, अच्छे चलते भी है वो शेयर। रिसर्च के साथ उनको मोमेंटम के साथ भी मिक्स जो करते हैं विजय जी, वो गजब का कॉम्बिनेशन है। इस डेडली कॉम्बिनेशन के आप शेयर बताएं सर, लाइव वाले बता दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह, और आप सबको और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। दो शेयर्स मैं बोलना चाहूंगा आज, मुझे लगता है कि टाटा ग्लोबल जो 203-204 के लगभग अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें एक अच्छा बिल्डअप हुआ है और मुझे लगता है 220-230 का स्तर इसमें जरूर आना चाहिए। अभी हम कंजम्पशन स्टोरीज की बात कर रहे थे और टाटा ग्लोबल एक क्लासिक कंजम्पशन स्टोरी है, बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज है कंपनी की और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से वेल बिल्टअप है फॉर अ रन अप। दूसरा स्टॉक जो मैं बोलना चाहूंगा वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो करीब करीब 95-50 के स्तर पर कल बंद हुआ था, वो भी मुझे लगता है कि एक बार ये 100 क्रॉस करेगा तो संभवतः आपको ये 110 और 120 जाता दिखेगा। इसका जो जोड़ीदार है बीईएमएल, उसमें एक अच्छी तेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मुझे लगता है बीईएल में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और बहुत टाइम से सप्रेस्ड है स्टॉक और अब थोड़ी हरकत दिखनी शुरू हुई है, वॉल्यूम बिल्डअप भी बहुत अच्छा है, तो फंडामेंटली भी टेक्निकली भी दोनों तरीके से स्टॉक अच्छा लगता है। अगर मार्केट में कोई मेजर शॉकर नहीं आता, जो लगता तो नहीं है कि आएगा, तो बीएल 100 के ऊपर जाता है मुझे लगता है 120 की अपनी यात्रा शुरू करेगा। ठीक है, बीएल भाव और भावनाएं दोनों से समय ठीक है, इसलिए पहला 100 का टारगेट है, उसके बाद 100 चला तो फिर 20 रुपए और आएंगे, 120 रुपए का टारगेट रखें। शेयर में जाने के लिए तो कुछ नहीं है, चार एनालिस्ट का बात बिल्कुल मानना है और विजय जी भी यही बात कह रहे हैं। खैर इस बीच उनके दो शेयर हो गए, एक तो टाटा ग्लोबल हो गया और एक बीएल हो गया। एक आज के ट्रिगर में ना संदीप ने एक अहम ट्रिगर दिया था, अदानी ट्रांस की बायबैक पर बोर्ड की एक बैठक होने वाली है। अदानी ट्रांस से शुभम शुरू कर रहा हूं, जरा अदानी ट्रांस के चार्ट देखिए और जरा मेरे को बताए इसके अंदर करना क्या है, इसकी बोर्ड की बैठक है और बायबैक पर है। जस्ट टू कंफर्म डिम्पी, 223 वाला जो स्टॉक है उसी की बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो दो तीन दिन पहले जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था वो काफी पॉजिटिव था और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट के बाद जो पिछले एक दो दिनों से जो कंसोलिडेशन है वो टेम्पररी पुल बैक है और फिर से एक यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है, उसकी काफी अच्छी संभावना है। तो मुझे लगता है ये गिरावट को यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें 210 के आसपास, थोड़ा सा दूर है स्टॉप लॉस लेकिन सेफ लेवल 210 का ही होगा और अपसाइड में मुझे लगता है फिर से 250 तक के लेवल यहाँ पे रीटेस्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए, गिरावट को यूज करें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक्सिस बैंक
ये है वो स्टॉक, क्या आज निफ्टी को आगे बढ़ाने की कमान ये भी संभाल सकता है, क्योंकि आज बड़े अपग्रेड आए। कल इन्होंने एक एनलिस्ट कॉल किया और इस एनलिस्ट कॉल के बाद सारे ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किए हैं। 840 सीएलए से कह रहा है ये लक्ष्य रखिए, नोमरा और सिटी 900 रुपए तक के लक्ष्य के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक इन्होंने लीड किया है, बैंक निफ्टी को भी और बाजार को भी। सुनील सर, आप तो हमेशा से कह रहे हैं प्राइवेट बैंक प्राइवेट बैंक, अभी भी प्राइवेट ही खरीदे या सरकारी भी? नहीं, अभी भी प्राइवेट ही खरीदे। अब छोटे वाले खरीदे बड़े वाले? बड़े वाले। देखिए, इसमें ऐसा है कि चीज मैंने कहा ना कि लेंडिंग देने की ताकत बड़े बैंक में होती है। ये छोटे छोटे बैंक जो कह रहे हैं वो अगर स्मॉल फाइनेंस या पेमेंट बैंक हम पे, तो उनकी तो वो उतनी पावर नहीं होती है। अल्टीमेटली लेंडिंग ही बैंकिंग को प्रॉफिट दिलाता है। बाकी सब चीजें जो होती है ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, एलसीए गारंटी, कमीशन, ये सब एक एडिशनल सेकेंडरी हो गया। कोर बिजनेस 90% इनकम लेंडिंग से होती है, और लेंडिंग में आपको साइज में आता है एक रिसर्च, एक आउटलुक, प्रॉपर तरह से धन को कितना देना चाहिए। प्रमोटर आके पूछेगा मेरे को 1000 करोड़ दो, क्या 1000 देना है या 800 देना है, किस तरह से देना है, क्या कंडीशनलिटीज लगेंगे। तो लेंडिंग इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके पास वो साइज और स्केल हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करके आपकी डिसीजन मेकिंग सही तरह से होती है। एक खास चीज है कि लार्जर बैंक्स इन अ रैली विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द स्मॉलर बैंक्स। सो वो मेरे ख्याल में ट्रस्ट शुड बी इन द लार्जर बैंक्स बिकॉज अब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स का भी एक व्यू में आपको मिला है यहाँ पे कि अभी भी आप निजी बैंकों में, खासकर बड़े निजी बैंकों में एक बार पैसा लगा सकते हैं, और एक्सिस बैंक आज का हीरो भी साबित हो सकता है। इस बीच कोलगेट पे बंसल जी, एक बार जरा आपकी राय, 29 मार्च को एक बोर्ड की बैठक हो रही है, इसमें डिविडेंड के लिए बातचीत होगी और 8 अप्रैल को इनके डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी हो जाएगी तय, तो जरा कोलगेट का स्ट्रक्चर देख के बताएं सर। देखिए डिम्बी जी, कोल्डगेट का टेक्निकल रुझान अच्छा है, स्टॉक में नीचे में आप देखें तो 1270 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, किसी ने ले रखा है तो डिम्बी मेरा समझना है होल्ड करना चाहिए, और नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकें। 1295 के ऊपर अगर निकल के जब डिसाइसिवली सस्टेन करता है तब एक नई खरीदारी करनी चाहिए 1330 के लक्ष्य के लिए, बट नई खरीदारी 1295 के ऊपर करें। पंसल जी, लगे हाथ ना मारुति के बारे में भी देखिए, क्योंकि आप इसके हैं विशेषज्ञ। कल तो ये शेयर टूटा था क्योंकि ऑटो के अंदर वीकनेस थी, आज खबर इस पे ये आई है कि इनका एक इको मॉडल है जो कि कमर्शियली इस्तेमाल होता है, उसके दाम बढ़ा रहे हैं, कुछ और वेरिएंट्स के दाम भी बढ़ा रहे हैं। ये 400 से लेकर 23,000 तक दाम बढ़ेंगे अलग अलग मॉडल की गाड़ियों पर, तो मारुति में आज थोड़ी गिरावट है, रुक जाएगी या फिर अभी और टूटेगा? देखिए डिम्पी, इसकी गिरावट तो रुकी हुई है, परसों इसमें जब गिरावट आई थी तब के जो लोस थे 6782 के अराउंड किए, 6780 के लोस कल भी नहीं टूटे, और 6780 के नीचे ही डिम्पी अब नई मंदी शुरू होगी, तो किसी ने इस खबर के चलते अगर बाई करना है तो 6780 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नई सेलिंग 6780 के नीचे करनी चाहिए। ठीक है, 6780 के नीचे तो थोड़ा इंतजार कर लेते। ठीक है, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं, वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। कुणाल जी जरा इसके चार्ज देखिए, मिंडा इंडस्ट्रीज एक नोमुरा की रिपोर्टर, अच्छी रिपोर्ट है अच्छी इसलिए कि टारगेट बड़े लंबे वाले दिए, लगभग 40-50% ऊपर के टारगेट है, 490 के, 345 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 4% कल नीचे बंद हुआ, चलेगा क्या? अनिल जी चलना चाहिए, देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आती है चार्ट पर और ये 368 रुपए के आसपास है, 368 अगर इस काउंटर ने पार किया तो फिर सीधा 420 रुपए के लेवल्स आएंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, हालांकि पिछले दो दिनों में मार्केट को अंडर परफॉर्म इसने किया है, लेकिन अगर आप पिछले दो तीन महीने का चार्ट देखें तो ये मार्केट आउट परफॉर्मर है। तो मुझे लगता है कि 368 के रेजिस्टेंस पार हो जाए तो इसमें डेफिनेटली खरीद करें, जिनके पास पोजिशन है उन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 335 रुपए के आसपास, 368 के ऊपर अग्रेसिवली बाय करने की राय रहे। ओके, तो ये है मिंडा इंडस्ट्रीज पर राय आपके लिए। आइए अब करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। होली में खेले जाने वाले दो सबसे ज्यादा रंग हरे और लाल, इस पर बाजार का हमेशा होता है फोकस और आज भी वैसा ही रहने की पूरी पूरी संभावना, क्योंकि संकेत है सुस्ती भरे, लेकिन सुस्ती के बाद चुस्ती किस तरफ बढ़ेगी, 10-11600 की तरफ या 11500 के नीचे की तरफ, ये देखना होगा। इंटरेस्टिंग, लेंगे जवाब
फर्स्ट रेट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिम्पी कालरा। एक बार फटाफट से एशियन मार्केट्स का हाल इसमें देख लेते हैं, फिर पूजा और दिवांशी आपको ब्रोकिंग और सिस्टम रोड खबरों वाले शेयर्स बताएंगी। हांगकांग का बाजार 146 अंक अभी भी नीचे है, पहले 200 अंक चला गया था, अभी थोड़ा रिकवर हुआ, वापस 150 है। शंघाई जो कि चाइनीज मार्केट है फ्लैट। जापान का बाजार आ गया ऊपर, 16 पॉइंट की बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड। एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट, वो 7-8-10 पॉइंट की चल रही है, जो सुबह भी आप देख पा रहे थे अभी भी जस की तस वैसी ही है। पूजा बताएं पहले आप खबर वाले शेयर, फिर दिवांशी से रिपोर्ट जानते हैं। स्पाइसजेट पर आज नजर रखिए, जेट एयरवेज के लेनदारों ने स्पाइसजेट को ऑफर दिया है कि ग्राउंडेड 50 एयरक्राफ्ट वो उड़ा सकते हैं, 3 साल तक एयरक्राफ्ट उड़ाने का ऑफर दिया। स्पाइसजेट ने इस खबर की पुष्टि भी की है, तो आज यहां पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा जेट एयरवेज भी आज फोकस में रहेगा, इसके चलते कंपनी के 6 और एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो चुके हैं। और इसके अलावा कुछ और भी खबरें आ रही है कि जेट पायलटों ने ठोस प्लान मांगा है, और उनका कहना है कि अगर एक पायलटों को 1 अप्रैल तक अगर सैलरी को लेकर ठोस प्लान नहीं गया तो वो विमान नहीं उड़ाएंगे। तो आज जेट एयरवेज फोकस में रहेगा इस खबर के चलते। जुबिलेंट लाइफ पर भी नजर रखिए, 35 लाख शेयर्स बेचे जाएगा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, और ये जो बड़े सौदे हैं ये ब्लॉक डील के जरिए आज होंगे, जिसके जरिए करीब 2.8% हिस्सेदारी बेची जाएगी जुबिलेंट लाइफ की। तो आज यहां पर नजर रखनी होगी। ONGC भी फोकस में रहेगा, 23 मार्च को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान हो सकता है, और 27 मार्च डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है। तो आज यहां नजर रखिए। और इसके अलावा आरती ड्रग्स में भी एक्शन देखने की उम्मीद है, बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है और बायबैक का भाव 900 के रुपए प्रति शेयर के भाव पर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा जो प्राइस है उससे करीब 40% के प्रीमियम पर ये प्राइस तय हुआ है। तो आरती ड्रग्स भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं माइंडट्री की, यहां नजर रखिए, बोर्ड की बैठक होगी और बायबैक को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स, ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन शुरू होने वाला है, इक्विटी मार्केट का भी, करेंसी मार्केट का भी और कमोडिटी मार्केट का भी, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं क्योंकि हम है तैयार ओपनिंग करने के लिए। 68.97 ये था करेंसी मार्केट का कल का बंद भाव, 44 पैसे के नुकसान के साथ लंबे समय बाद रुपए में दिखा लाल निशान, लेकिन इक्विटी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। कल भी रुपए की कमजोरी के बावजूद हम एकदम गर्मी के साथ बंद हुए हरे निशान में। आज फिर से मजबूती के साथ शुरुआत होने के आसार दिख रहे हैं। पहली टिक पर 11,560 निफ्टी आपको नजर आएगा, 38,375 आपको नजर आएगा सेंसेक्स। रुपए की हो चुकी शुरुआत, 8 पैसे का नुकसान, 69.05 रुपए, 69.05 मामूली सा नुकसान है, 8-9 पैसे का चलेगा, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 दिनों की छुट्टी के बाद, काम करने के बाद मृत्युंजय फिर से आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। मृत्युंजय, सबसे पहले तो आप धन्यवाद दे दीजिए डिम्पी जी को, जिन्होंने आपकी अनुपस्थिति में बहुत ही अच्छी कमोडिटी की ओपनिंग की है। डिम्पी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वापस आ गए। आपका वापस आने बड़ा काम का, प्लीज डू द ऑनर्स, बताइए सर। बिल्कुल, और आज बाजार की जो शुरुआत होने वाली है MCX पर गोल्ड की, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें दबाव में हैं, करीब $2-3 की गिरावट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, $1,304 के करीब है MCX पर। रुपए की कमजोरी के बावजूद गोल्ड हरे निशान में नहीं खुला है और बाजार लाल निशान में है, और होली से ठीक पहले आप देखिए बाजार में लाली है, 31,900 के आसपास है MCX पर गोल्ड का भाव। चांदी का भाव करीब 85 रुपए नीचे है, तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर रुपए के उतार चढ़ाव से बिल्कुल बेफिक्र है मार्केट, और जो ट्रेंड हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा है उसी ट्रेंड के आधार पर इंडियन मार्केट में गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि गोल्ड की इस गिरावट से आप ये मत समझिए कि कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फंडामेंटल हैं गोल्ड के वो काफी मजबूत हैं। ऐसे में आगे आपको बहुत ज्यादा गिरावट दिखेगी नहीं और गोल्ड एक बार फिर से आपको तेजी के मूड में दिख सकता है। अब देखते हैं क्रूड की चाल की, वहां पर किस तरह की हलचल आज शुरुआती दौर में दिख रही है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड है, $67.50 प्रति बैरल के ऊपर है ब्रेंट का भाव, और नैमेक्स क्रूड $59 के करीब ट्रेड कर रहा है। MCX पर कच्चा तेल बिल्कुल 4100 के स्तर पर है और बिना किसी बदलाव के इस वक्त MCX पर कच्चे तेल में ट्रेड हो रहा है, तो क्रूड के फंडामेंटल में भी कोई बदलाव नहीं है और इसीलिए कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं है, एक डल ट्रेड आज मार्केट में दिख रहा है। और अगर रुपए में ज्यादा उतार चढ़ाव दिन के कारोबार में दिखता है तब आपको इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा। अब बात कर लेते हैं मेटल मार्केट की, वहां पर किस तरह के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और बेस मेटल्स में इस वक्त आप देख पा रहे हैं एल्युमिनियम, निकल, ये बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। जिंक में मामूली बढ़त है और कॉपर का भाव दबाव में है, 447 रुपए के नीचे। तो कुल मिलाकर
होली से ठीक एक दिन पहले कमोडिटी मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और दायरे के इस बाजार में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दायरे के इस मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके नहीं बनेंगे, दायरे के इस मार्केट में आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके कहां पर होंगे अब से ठीक एक घंटे बाद हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक घंटे बाद हमको बताइएगा सारे के सारे, खासकर रुपए के अंदर और क्रूड के अंदर क्या इस समय मोमेंटम मिल रहा है, ये थोड़ा और जानकारी हमको दीजिएगा। खैर इस बीच आज का हीरो पहले देखते हैं, फिर आपको 20 मुनाफे वाले शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। तो आज के हीरो का बिल्कुल सर, आज का हीरो खरीदारी करने की राय है और वो है DHFL पर। DHFL का फ्यूचर खरीदिए, 133 का स्टॉप लॉस है, एक ही टारगेट दिया है 142 रुपए के आसपास का, ये फ्यूचर्स के लेवल है। और खबर एक इंटरेस्टिंग आ रही है कि कुछ दो तीन बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जिनमें KKR और इनके नाम आ रहे हैं जो इनके बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। DHFL के बॉन्ड खरीदने का मतलब यह है कि शायद NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के मार्केट में थोड़ी अब स्थिरता लौट रही है, लिक्विडिटी आ रही है, कंफर्ट बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर इनके बॉन्ड्स कोई बड़ा PE इन्वेस्टर आकर खरीदता है तो ये एक बड़े कंफर्ट वाली बात होगी। तो एक के बाद एक थोड़ी ठीक खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है DHFL के लिए। पहले एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि सब ठीक ठाक है, कोई खास गड़बड़ी वाली बात है नहीं। अब ये रिपोर्ट आ रही है, अब ये कब होगा, किस दाम पे होगा, कैसे होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही है कि DHFL के बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक है जो तेजी का मूड दिखा सकता है, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो DHFL इसके बाद लेवल सर आप नोट कर लें, फ्यूचर्स का भाव है 142 रुपए और स्टॉप लॉस 133 का, इस हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आज का शेयर, हीरो शेयर। 20 कॉल मुनाफे वाली वो भी देखिए आप। मेरी तरफ से आज का पहला शेयर होगा फोर्टिस हेल्थ केयर, इस पे आप ध्यान रखें क्योंकि 403 करोड़ रुपया सिंह बंधु से इनको मिल सकता है। ठंडा शेयर है लेकिन आज गर्म होगा, 140 का टारगेट रखें। ITC ने कल 300 के लेवल को पार किया, स्ट्रांग मूव दे सकता है आज 308 रुपया, मैनेजमेंट भी करेगा ये इंडेक्स की। अलाहाबाद बैंक OBC के अंदर आज वीकली एक्सपायरी के कारण अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, दोनों पे ध्यान रखें। TCS भी कल जो शिफ्टिंग हुई है, सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है, उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। IT की कंपनी मजबूत है, थोड़ा रुपए का बेनिफिट भी उनके हाथ में जा रहा है, 2060 का टारगेट है। वोल्टास की कल शानदार क्लोजिंग आज फिर से कंटिन्यू होगी। जैन इरिगेशन, रेमंड, सेल ये कुछ एक और शेयर है, इनके कल का स्ट्रक्चर अपने आप में काफी मजबूत है और किसी न किसी वजह से आज भी आपको चलते दिखेंगे। ICICI बैंक एक और बैंक है आज हमारे लिस्ट में जो बैंक निफ्टी को आज मजबूती दे सकता है, और दो तीन निजी बैंकों में आज ICICI बैंक का मूव काफी शानदार रह सकता है, 406 का आज का टारगेट होगा। डिफेंसिव नाम फोकस में रह सकते हैं, RT ड्रग्स को वैसे भी बायबैक भी सपोर्ट करेगा, 39% प्रीमियम पे है, 670 का लक्ष्य आज के लिए। ग्रैनुल्स इंडिया के प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर भी छुड़वाए हैं, 121 का लक्ष्य होगा। हिकाल पे ICICI डायरेक्ट की जो रिपोर्ट आई है वो शेयर में जान फूंक सकती है, 173 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। न्यूजन साहब को एक नया पेटेंट मिला है, उसके आधार पे 310 तक के टारगेट आ सकते हैं। CG पावर में लगातार फंड की खरीदारी हो रही है और नए सौदे भी बने हैं वायदा बाजार में, कल 50 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए। इसके साथ साथ आप मुथूट कैपिटल पे नजर रखिए, सिक्योरिटाइजेशन डील की आज असर रह सकता है, 910 रुपए का लक्ष्य होगा, लेकिन शॉर्ट करने के लिए वोडाफोन आइडिया कमजोर हो रहा है स्ट्रक्चर, 31 तक के टारगेट आ सकते हैं। मदरसन सूमी में जो ट्रेड वॉर को लेकर दिक्कतें आ रही है उसका इंपैक्ट रहा तो 155 तक की डाउनसाइड आ सकती है। होली से पहले मनपसंद बेवरेजेस कल भी तेज था, 3 दिन की कमजोरी के बाद संभला है, आज हो सकता है 127-150 तक के टारगेट भी आ जाए। और बोदल केमिकल, इन्होंने गुजरात में अपना क्षमता विस्तार के बाद प्लांट खोला है, 120 का लक्ष्य, 115 रुपए का स्टॉप। दिवांशी से भी जान लेते हैं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, बताएं दिवांशी आप। आज सबसे पहले एक्सिस बैंक से शुरुआत करते हैं, कल जो एनालिस्ट की बैठक यहाँ पे हुई थी उसके बाद मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस काफी उभर कर आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे मैनेजमेंट ये मानते हैं कि आने वाले 3 साल में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीब 18% पर लौट के आएगी, ये काफी पॉजिटिव था। और जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है उन्होंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस जताया, पॉजिटिव है, बेहतर एग्जीक्यूशन से ग्रोथ की उम्मीद भी यहाँ पे लगातार आती हुई दिख रही है। CLSA 840 तक के लक्ष्य दे रहे हैं और नोमरा ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 900 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। सिटी की भी 900 तक के लक्ष्य और जेफरीज 880 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं। साथ ही आज जुबिलेंट फूड पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, जहां पे खरीदारी की राय CLSA की तरफ से 1600 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। जो नए प्रोडक्ट्स यहां पे लॉन्च किए हैं कंपनी ने, जो IPL और लगातार जो इवेंट्स आ रहे हैं उससे पहले, उससे काफी बढ़ोतरी का अनुमान यहां पे लगाया जा रहा है। डिलीवरी का समय है वो कम हो सकता है, इससे भी कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। मैक्वायरी भी 1780 तक के टारगेट्स बता रहे हैं। SSSG ग्रोथ में लगातार
लगातार हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस के बावजूद जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। HCL टेक पर मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट है, 1300 तक के लक्ष्य, और ज़ेरॉक्स के साथ जो डील की है उससे भी कंपनी को फायदा होता दिख सकता है। मैक्वायरी ने रियल एस्टेट पर रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे छोटी अवधि में जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनको काफी फायदा हो सकता है, और फिनिक्स मिल्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ यहाँ पे टारगेट्स भी यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट्स पे करीब 355 के हैं, उस पर पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है इस पर फोकस कीजिए। आज नोमुरा ने मिंडा इंडस्ट्रीज पर अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं और खरीदारी की राय है, कवरेज शुरू किया है और 490 तक के टारगेट्स वो आप बता रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि जो नया कारोबार है और वैल्यू कंपोनेंट जो व्हीकल के लिए कंपनी बनाती है उससे जो मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। मुनाफा करीब दुगना होने की क्षमता भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। HDFC सिक्योरिटीज की सुब्रोस पर पॉजिटिव रिपोर्ट है जहाँ पे 310 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, बाजार भी फ्रीज हुए इस बीच, और निफ्टी आपको बता दो 20 अंकों की बढ़त के साथ 11,550 के ऊपर ओपन कर रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एसजेएक्स निफ्टी में क्या दिखा रहे हैं, रुपया क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको एक ही काम करना है और बढ़ना है। 70 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स आपको दिख रहा है। फटाफट से मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं, बैंक निफ्टी भी आज आपको ये फ्लैट खुला है, 29,770 पे ये बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है। तो सर निफ्टी से कर ले शुरुआत, निफ्टी पर 11,500-11,525 की रेंज का इंतजार करेंगे, वहां पर खरीदेंगे, और इस वक्त थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि 20 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर ले लीजिए और 11,500 के लिए एक और जगह रखिए, ठीक है। अगर एग्रेसिव ट्रेड नहीं है तो 11,500-11,525 की रेंज में आने दीजिए तब खरीद। आज की ओपनिंग से ऐसा लग रहा है 11,600 के टारगेट के लिए, आज की ओपनिंग से ऐसा लग रहा है कि 500 नहीं टूटेगा जल्दी जल्दी। हाँ, आसानी से नहीं टूटेगा, 500 तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, दिक्कत है। टारगेट आप कितने बता रहे थे? 11,575-11,600, अभी मैं 11,600 के ऊपर के टारगेट नहीं देख रहा। ठीक है, इस बीच निफ्टी बैंक पे बताया, यहाँ बिल्कुल फ्लैट कारोबार है। निफ्टी बैंक ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड मुझे दिख रहा है, और वो ये दिख रहा है कि 29,815 लेवल नोट कर लीजिए, 29,815 स्पॉट लेवल है, यानी कि अभी है आपका 19,770, 50-40 पॉइंट यहाँ से और ऊपर हो जाए उसके पार निकलते तुरंत खरीद लीजिए 29,950 के टारगेट के लिए, यानी कि कल का और परसों का दो दिनों के हाई को क्रॉस करने के बाद मिलूंगा, क्योंकि 30-40 पॉइंट ही नीचे है वहां से, तो 30-40 पॉइंट और छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है, तो इसलिए अगर ब्रेकआउट पे लेना है तो ऊपर में लेना है, अदरवाइज फिर मैं बैंक निफ्टी में भी इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे 29,800 के ऊपर टिकता हुआ दिखना चाहिए। जब तक बैंक निफ्टी 29,800 के ऊपर टिकता हुआ नहीं दिखे फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, और अगर टिक गया तो फिर रुकना भी नहीं है, क्योंकि 100-150 पॉइंट चुटकियों में मिलेगा, जो कुणाल जी 30,000 के दर्शन करने के लिए काफी दिनों से नजरें जमाए हुए, हमारी कल बात भी हुई कि वो काम आज हो भी सकता है, तो उसके लिए जरूरी कि 29,815 पार करें, 29,815 पार करने के बाद किसी को पूछेगा मत, ले लीजिएगा, मेरे बिगुल का भी इंतजार मत करिएगा, ठीक है। पहले से बता दूंगा, है ना, उसके बाद ले लेना है आपको, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 29,750 का, टारगेट 29,900-29,950-30,000, ठीक है। क्लियर कॉल है बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी बिल्कुल क्लियर कॉल। अब जरा स्पाइस जेट पे आते हैं, आज ये खुल रहा है, नीचे में खरीदना हो बैंक निफ्टी, हाँ एक और चीज है, नीचे में खरीदना हो तो वक्त है, फिर सीधा लेवल 29,600 का आता है, उसके पहले नहीं आता तो फिर रुक जाएगा। हाँ, अगर हाइप क्रॉस नहीं करता है, वहां टिकता नहीं, तो फिर आपको फ्रेश खरीदारी 29,600 पे करनी, उसके पहले नहीं करनी, ठीक है। अब शेयर्स पे आते हैं, स्पाइस जेट 2.25 रुपए ऊपर खुल रहा है, 2.5% ऊपर है, 81 का भाव है, 83 और 86 के टारगेट के लिए अब भी खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मिले तो बेहतर है, 83-86 के टारगेट इंटैक्ट है, ठीक है। DHFL आज का हीरो, ये शेयर आज खुल रहा है 2.5 रुपए ऊपर, 2% की बढ़त के साथ, 138 का लिया जा सकता है, 142 फ्यूचर का टारगेट, कैश और फ्यूचर का डिफरेंस देख लें कितना है, लेकिन फ्यूचर 142 का टारगेट है और आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी के आज के जो फ्री जोन लेवल है, उसमें वेदांता आज ऊपर खुल रहा है, इंडिया बुल हाउसिंग ऊपर है, इन्फोसिस ऊपर है। शुभम जरा इन्फोसिस के बारे में बताएं, कल जो शिफ्टिंग हो रही थी इन्फोसिस काफी अच्छा मूव दे रहा था उसमें। डिम्पी, मुझे लगता है कि कल जिस तरह से इन्फोसिस में मूव देखने को मिला है, ये पूरे के पूरे आईटी पैक में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन अब होना शुरू हो चुका है, तो एकदम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि बड़ा यहाँ पे उछाल ना मिले, बट मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया, एटलीस्ट पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। तो 705-710 का काफी अहम सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि ये एक बॉटम बन चुका है इन्फोसिस के लिए, तो 700 के आसपास स्टॉप लॉस रखें राउंड फिगर, और अपसाइड में
अगर इसको हम एक डेढ़ हफ्ते का अगर समय देते हैं तो मुझे लगता है कि 740-745 और अगर थोड़ी और लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो प्रीवियस हाई जो है 770 का वो भी रिटेस्ट हो सकता है। तो आईटी स्टॉक्स में बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन्फोसिस खरीदना चाहिए। ठीक है कुणाल जी, आपने इंडिगो पे कई बार राय दी है, जेट की प्रॉब्लम पता ही है सबको, स्पाइस जेट भी आज उसी वजह से नोटिस किया गया, इंडिगो पे क्या करना है? देखिए डिपी, इंडिगो की बात करें तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट इंडिगो में 4-5 सेशंस पहले आया था जब इंडिगो ने 1285 रुपए के लेवल को फ्यूचर में पार किया और उसके बाद से हम एक तेजी देख रहे हैं। अगली जो रेजिस्टेंस है चार्ट पर वो 1375 के आसपास है, तो मुझे लगता है अभी भी और भी गुंजाइश है, जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको होल्ड करना चाहिए, नई खरीद के लिए कुछ गिरावट का इंतजार कर लें और मान लीजिए ये काउंटर आपको 1310-1300 के आसपास मिलता है तो उन स्तरों पर बाय करना सेफ रहेगा। और ऊपर की ओर मुझे लगता है कि 1355-1365 का लक्ष्य आपको इसमें आते हुए दिखेगा, तो डिप्स में बाय करने की राय। ओके माइंडट्री यहाँ पर क्या करना चाहिए? कल तो कमजोरी के साथ बंद हुआ थोड़ा ऊपर, आज बोर्ड बैठक भी है, शुभम जी जरा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताइए माइंडट्री आज वहीं का वहीं खुल रहा कल के आसपास ही। अनिल जी यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लगता है 2-3 दिनों से यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉशन देखने को मिल रहा है और ट्रेंड अभी भी ऊपर है लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रेजुअली अनवाइंड होता जा रहा है पोजीशंस, तो यहाँ पे एक मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंसर्न है, बट फिर भी अभी तक बिकॉज चार्ट वीक नहीं है तो मुझे लगता है कि 935 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 935 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर रैली कंटिन्यू होती है तो 980 तक के लेवल आएंगे, बट बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है फ्रेश पोजीशन यहाँ पे ऐड करने की राय नहीं होगी, बाकी जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वहां पे देखें, बट अगर यहाँ पोजीशन है तो होल्ड करें। तो ये पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं फिलहाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए रुकना चाहिए। आरईसी इसको भी जल्दी से बता दीजिए आप, वैसे पीएससी तो कुणाल जी ने खरीदने के लिए बोला ही, शुभम जी आरईसी बता दीजिए आज यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए बोर्ड बैठक है। अनिल जी कुछ दिनों पहले मैंने क्लोजिंग शो में ये रिकमेंड भी किया था और मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे व्यू इंटैक्ट है, तो 145 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बने रहना चाहिए और अपसाइड में 157-158 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। चलिए ओके करें आज की पारी की शुरुआत। ओके तो पहले टीका आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मजबूत शुरुआत के आसार प्री ओपनिंग सेशन से दिख रहे हैं। रुपए में भी सुस्ती है, हल्की कमजोरी है, लेकिन कोई ऐसा पैनिक दबाव तनाव ऐसा ये शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा रुपए के लिए, बिल्कुल तो हल्की कमजोरी है बस। आइए पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या दमदार शुरुआत है? 11,500 के ऊपर तो शुरुआत होनी निश्चित है, 11,550 यह है निफ्टी पर पहला लेवल जहां पर शुरुआत होती दिख रही है। बैंक निफ्टी 29,750 के आसपास खुलता हुआ लाल निशान में फिसलता हुआ, 30 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर, 40 अंकों का नुकसान और निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे आता हुआ जहां खुला वहीं से। सेंसेक्स 40 अंक ऊपर है तो कह सकते हैं सुस्त शुरुआत हुई है, जहां निफ्टी 8 अंक ऊपर है, बैंक निफ्टी 45 अंक ऊपर नीचे है और सेंसेक्स 40 अंक ऊपर है, तो मिला जुला सा कारोबार दिख रहा है। कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में बता दूं, हिंडालको 2.25% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है, इन्फोसिस और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों स्टॉक है जो मजबूती के साथ, इन्फोसिस कल आशु मदान साहब ने बीटीएससी कॉल भी दिया था इन्फोसिस पर और इन्फोसिस वहीं से तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे याद है 725 रुपए के आसपास उन्होंने कॉल दिया था, इस वक्त मजबूती के साथ खुला रहा 1.5% ऊपर, तो इन्फोसिस मजबूत है टॉप गेनर है, आईबुल हाउसिंग उसके ठीक पीछे। कमजोर क्या है, जी 2% नीचे है, बजाज ऑटो 1.5% नीचे है और आईओसी और एचपीसीएल में 1% का नुकसान है। आज एक ही सेक्टर हमने कहा था कमजोर रहेगा वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का और आज देखिए तीनों के तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले, हाँ पैनिक नहीं है हल्के लाल निशान में खुले। आइए वायदा कारोबार की तरफ बढ़ते हैं, नेल्को ये 1.25% मजबूत है, यही टॉप गेनर थे, यानी कोई स्टॉक ज्यादा भागने को तैयार है नहीं। डीएलएफ 1% मजबूत है, डॉक्टर रेड्डी में 0.5% की तेजी है, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो डीएचएफएल 1% मजबूत है, कोई ऐसा भागने के मूड में है नहीं, सब ठंडे वाला मामला है, वेट एंड वॉच। और इधर गिरने वाले शेयरों में भी सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर है, एचपीबीपीआई, इसके अलावा जेट एयरवेज 4% नुकसान में है फ्यूचर्स में, ये बड़े नुकसान पे आता हुआ दिख रहा है, 203 पर फ्यूचर आ चुके हैं, कैश भी दिखा दिया, ये कैश 219 है, फ्यूचर 203 है, तो काफी डिस्काउंट अब आप देख सकते हैं 16 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है। तो ये है शुरुआती कारोबार, बाजार लाल निशान में फिसलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी पर, माफ कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, सेंसेक्स 25 अंक ऊपर है। डिम्पी का नजर आपकी कैश के शेयर्स पे है कुछ नजर और इसमें आप देखेंगे आज आर नेवल फिर से ऊपर है, हालांकि है 10 रुपए का शेयर। मनपसंद बेवरेजेस आज संदीप की कॉल थी और ये 3.5% आज फिर से ऊपर आया है। पराज इंडस्ट्रीज काफी दिनों बाद फिर से 150 के लेवल को पार, थोड़ा आपको बीच में रोकना पड़ेगा एक बार, जुबिलेंट लाइफ
जहां पर एक 35 लाख शेयरों की स्टेक बिकने की बात थी, करेक्ट, वो डील हो चुकी है। 32,90,000 यानी कि 35 लाख शेयर तो बिके हैं 782.95 रुपए के दाम पर, राउंड फिगर कर लीजिए 783, और 2 लाख शेयरों का डील हुआ है 789 रुपए के नाम पे 89, यानी कि कुल मिला के समझ लीजिए जो 35 लाख शेयर बिकने थे वो 783 पर बिके हैं, डील 783 पर हुए। राकेश जी जरा इसके चार्ट तैयार करिए और बताइए, क्योंकि जुबिलेंट लाइफ आपको पसंद भी, आपने कई बार रिकमेंड भी किया है, डील हो चुकी है, जो प्रमोटर्स को स्टॉक बेचना था वो बेच चुके हैं, क्या यहां से बढ़ सकता है? देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है और इस डील के चलते अनिल जी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल रही है, और नीचे में 825 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट आता है और स्टॉक उन लेवल्स के नीचे चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी, थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए नई खरीदारी करने के लिए। यहां पर नीचे में 770-775 एक अहम सपोर्ट है, उन लेवल्स के अराउंड अगर अनिल जी स्टॉक मिलता है तब एक मध्यम अवधि का नजरिया बना के स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 789 चल रहा है, 770-775 के स्तर आते हैं तो उन स्तरों के अराउंड बाय करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा नीचे में खरीदें, जल्दी जाइए। बंसल जी, इस बीच लगे हाथ जरा आईटीसी पे वापस से अपना कॉन्फिडेंस बताएं। 301 है आज, किसी वजह से मार्केट जैसे फ्लैट खुल रहा है, मौका मिल रहा है वापस कल के ही भाव पे ऑलमोस्ट लेने का, एक बार अभी ले लें क्या? जिन्होंने आईटीसी कल नहीं लिया आज लेना चाहे वो। देखिए डिम्पी जी, जो भी व्यूअर वॉच कर रहा है जी बिजनेस को, कल एक निचले स्तरों पे एक बोल्ड कॉल दिया था और स्टॉक मुझे डिम्पी काफी तेज लगता है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिसने लिया हुआ है होल्ड करे और जिसने मिस करा हुआ है उसको डेफिनेटली आईटीसी बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वैसे सरकारी बैंकों में आज हल्की फुल्की खरीदारी वापस से बनती हुई दिखेगी, लेकिन मेरी नजर बार बार जेट एयरवेज पे जा रही है। इतनी सारी खबरें होने के बावजूद भी अभी भी 200 के लेवल को मेंटेन किए हुए, हालांकि ये बैन में शेयर है, बैन में, इसलिए फ्यूचर्स के अंदर एक्शन इसका लिमिटेड हो जाता है, बट स्टिल फिर भी इस शेयर पे भी एक बार आप जरूर गौर कीजिएगा, ये स्विंग बड़ा ट्रेड दे सकता है अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो। अच्छा, एक और शेयर है सरकारी शेयर, कल सेल की हम बात बोल रहे थे शुभम, ये एक रेंज में आके रुक गया, अभी क्या किया जाए? 53-54 की रेंज में है डिम्पी जी, अगर यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट जिस तरह से अपसाइड में ही है और मेटल स्टॉक्स में ग्रेजुअली अभी भी अप स्विंग ही देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये टेम्पररी कंसोलिडेशन है, कुछ समय लगेगा बट फिर से एक न्यू हाई यहाँ पे बनता हुआ दिखना चाहिए, तो मेरी यहाँ पे राय होगी कि बने रहें सेल में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 51 के आसपास, और अगर कोई गिरावट होती है तो उसमें खरीदना भी चाहिए, और अपसाइड में जो ओवरऑल टारगेट है वो एटलीस्ट 59-60 रुपीस तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। ऑब्वियसली ये 2 हफ्ते का समय लग सकता है, तो थोड़ा पोजिशनल स्टॉक है बट यहाँ पे बने रहना चाहिए सेल में लॉन्ग साइड पे। ओके डिम्पी, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग लेवल पर आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लेवल वो है कि अगर दिन का पहला सपोर्ट इन दोनों को लेना है तो यही लेना है, 11,525-11,530 के आसपास पहला सपोर्ट निफ्टी का बनता है, एग्जैक्टली वहीं पहुंचा है, और 29,700 के आसपास बैंक निफ्टी का बनता है पहला सपोर्ट और लगभग वहीं पहुंचा है, तो यहां रुकेंगे या यहां से फिसलेंगे? यहां से फिसलेंगे तो मैं जगह बता दूं आपको, 11,500 अगला पड़ाव होगा निफ्टी का और 29,600 अगला पड़ाव होगा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी यहां से 100 पॉइंट और निफ्टी 25 पॉइंट की जगह बनाएगा अगर यहां नहीं रुका तो। अगर चला तो फिर यहां से भर के कहां तक चला? तो अभी भाई कुछ नहीं चला, क्या 25 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ेगा, ये आज ऐसे ही ताकत आज मैच वाला दिन है दोनों तरफ से, मतलब आज वो कॉन्ट्रा कोड कॉल लेके ट्रेड करना है आपको तो, या तो 29,600 की तरफ बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है, तो नीचे जाने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी, प्रेशर तो आ रहा है सेंचुरी मारता हुआ नीचे की तरफ। ठीक है, इस बीच आप सुनील जी, और सुनील जी सबसे पहले आके ये कहा कि कैपिटल गुड्स के अंदर आप थोड़ा ध्यान रखें, आज कैपिटल गुड्स का एक सोया हुआ शेयर है वो है BHEL, ये आज 2% ऊपर है शुरुआत में, कल की क्लोजिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो कैपिटल गुड्स के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और ऐसा सेक्टर जिसपे आप बहुत ज्यादा बुलिश है और सरकार के जिसमें रेगुलेशन भी थोड़ा ज्यादा हो तो किस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे? कैपिटल गुड्स के संबंध में पूछ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज्यादा हो, जिसको हम कहें कि टिपिकली सरकारी वेंचर है, सरकारी कंपनियां है, उसमें कोई ऐसा सेगमेंट या शेयर? बेसिकली मैं बैंक्स में ध्यान दूंगा कि PSU बैंक्स के अंदर गुड क्वालिटी बैंक जो है, क्योंकि रेगुलेशन का इम्पैक्ट बहुत डाउनसाइड अपसाइड में वहां पे बहुत असर पड़ता है, तो गुड क्वालिटी स्टॉक पिकिंग PSU बैंक्स के अंदर करें अभी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, बिकॉज अभी भी वैल्यूएशंस का एक ओवरहैंग है, और अगर अपने अच्छी चुनी स्टॉक को उसमें, देन डेफिनेटली आपको फायदेमंद हो सकता है। ठीक, सुनील सर एक चीज में और जानना चाहता हूं, कल ना शिफ्टिंग हो रही थी, काफी लोग ये कह रहे थे कि ये हो सकता है बैंक का पैसा थोड़ा आईटी की तरफ आए, आप आईटी का लेकर आपका स्टैंड क्या है? आईटी एक डिफेंसिव प्ले है, एक सेफ्टी प्ले है, क्योंकि
टॉप लाइन में हम देख रहे हैं जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है, मगर क्या कि H1B वीजा और ये उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो पिछले साल के माफिक जो रुपी की डिप्रिसिएशन के कारण जहां पे उनमें उछाल दिख रही थी वो सेम लेवल इस साल नहीं दिखेगा। एट द सेम टाइम डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आईटी पोर्टफोलियो में रहना चाहिए एज ए सेफ्टी डिफेंसिव प्ले, बट अग्रेसिव ग्रोथ अभी वो उस सेक्टर में से आप नहीं पा सकते हैं। तो ये ऑलवेज एक कॉम्पोनेंट होना चाहिए जो डिफेंसिव सेफ्टी होता है उसमें आईटी जरूर, ठीक है, यानी कि आईटी एक सेफ्टी वाला हिस्सा है। और आज आईटी के अंदर आप देखेंगे भी तो आपको इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस ये आपको स्ट्रेंथ दिख भी रही है, और इंडेक्स के लिहाज से भी सबसे मजबूत इंडेक्स आपको आज आईटी का दिख रहा है, करीब 0.5% ये ऊपर है। आईटी ने फिर से कमान संभाल ली है। खैर इस बीच आज के 2000 का बिल्कुल केपीआईटी टेक यानी कि बिरला सॉफ्ट जिसका नाम चेंज हो गया ना, बिरला सॉफ्ट हो गया ना, ओके ये स्टॉक लाइए जरा, इस स्टॉक पर रिकमेंडेशन है शॉर्ट करने की। बाजार थोड़ा कमजोर दिख रहा तो मैं कमजोर क्वालिटी के शेयरों को देख रहा हूँ कि कहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 99.55 रुपये का ये है इसका इस वक्त का 99.50 का प्राइस है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और लगता है स्टॉक यहाँ से कमजोरी के लिए तैयार होता है। देखिए एक चीज है जो भी है ना, ये ऑटोमोटिव वेंडर्स हैं इनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला मामला अब भुगता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से ऑटो सेक्टर में रफ्तार धीमे पड़ने के संकेत आ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कमजोरी की तरफ अच्छा इशारा कर रहा है, एक्शन भी बन सकता है, हाई बीटा स्टॉक भी है, 97.50 रुपये और 96 रुपये ये दो फ्यूचर्स के लेवल नोट कर लीजिए जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है और आपका स्टॉक लॉस होना चाहिए 99.50 रुपये के आसपास का। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं, कमजोर दिख रहा है स्टॉक, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। जरा एक बार शुभम जी की राय ले लें, शुभम जी ठीक है शॉर्ट करने का इरादा? बिल्कुल अनिल जी, और काफी समय पहले मुझे लगता है ये परपेचुअल शॉर्ट के लिस्ट में ऐड हो चुका था और अब यहाँ से कंटिन्यूअसली मुझे लगता है कि डाउनसाइड देखने को मिलेगा, तो 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे, और डाउनसाइड में जो स्विंग लोस थे पहले वो 92-50 तक के थे, तो मुझे तो लगता है कि वहां तक भी रिटेस्ट हो सकता है, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे काफी नेगेटिव है, बिल्कुल यहाँ पे बेचना चाहिए, डे हाई को स्टॉप लॉस रख लें और 92-50 तक का टारगेट 2-3 दिन में मुझे लगता है कि यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, निफ्टी इस समय बिल्कुल फ्लैट होकर कामकाज कर रहा है, अब सिर्फ 2 अंकों की गिरावट है, सेंसेक्स बकायदा हरे निशान में आ गया। एक बार जरा निफ्टी बैंक को भी मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, इसमें 70 अंकों की गिरावट अभी भी ट्रेड कर रही है। ठीक है, बैंकिंग में अगर हमको कुछ चुनना है, बैंक निफ्टी को वापस ऊपर आना है तो क्या शुरुआत में ही कुछ निजी बैंकों में, एक बार कुणाल जी जरा आप देखिए ये येस बैंक भी आज थोड़ा पावर दिखा रहा है, अभी तो फ्लैट ही है, येस बैंक को ले सकते हैं क्या अगर एक्सेस और आईसीआईसी ऑलरेडी पोर्टफोलियो पड़ा है तो? देखिए डिपी, येस बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस है 251 रुपए पर और 250 रुपए के इर्द गिर्द ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल ब्रेकआउट की दहलीज पर येस बैंक ट्रेड कर रहा है, तो एक बार ब्रेकआउट आ जाए तब मुझे लगता है येस बैंक खरीदने बेहतर रहेगा। एक्सिस बैंक की बात हम लगातार करते आए हैं, सबसे दमदार चार्ट एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई का है, उन दोनों काउंटर्स पे बने रहना चाहिए। आरबीएल बैंक भी मजबूत लग रहा है, उसमें भी मुझे लगता है बाई साइड पर फोकस करना चाहिए, 251 के ऊपर जैसे ही येस बैंक निकलेगा इसको भी खरीदारी की राय देंगे। ठीक है, इस बीच जिसमें BHL की बात बोल रहा था वो आज 4% ऊपर आ चुका है, अब करीब करीब 71 रुपए का भाव है BHL के अंदर। कल की शानदार क्लोजिंग और आज की ओपनिंग दोनों BHL के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूव दे रही है। एक बार शुभम जरा BHL के बारे में बता दें जिनके पास कल 2-3 दिन का सौदा खड़ा, प्रॉफिट अच्छा हो गया होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि डिम्पी थोड़ा और अपसाइड बचा हुआ है, तो 73 तक का लेवल मतलब और अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए का अपसाइड यहाँ से है, तो होल्ड किया जा सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 69.50 पे और 73 का लेवल है जहां पे आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन का और इसको समय दे और 73 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो ये एक शेयर हो गया, इस बीच 5 अंकों की बढ़त के साथ अभी गिरावट के साथ ही है निफ्टी। एक दो शेयर में और पता कर लेता हूं, जरा वेदांता, क्योंकि आज ना मेटल काउंटर्स में अच्छा मूव आया है, वेदांता हिंडालको दोनों ही ऊपर है। एक बार जरा कुणाल जी, हिंडालको या वेदांता में से अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो फिर वेदांता की तरफ जाए जो काफी टूटा हुआ है, या फिर हिंडालको जो 200 पार करके आज ट्रेड कर रहा है? देखिए स्ट्रक्चर तो देखिए हिंडालको का ज्यादा बेहतर है डिम्पी, यहां पर कि एक ब्रेकआउट भी 200 रुपए के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक बार क्लैरिटी से ये ब्रेकआउट आए तभी इसको ट्रेड करें, इन स्तरों पर मेरी राय में थोड़ा इंतजार करें बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें बेहतर रहेगा। लेकिन इस बीच वेट बिल्कुल नहीं करना है बिगुल को, जो कि बजता है सुबह सुबह BTST का, एक नहीं बल्कि 2 बजेंगे, पहले 1 बजाइए फिर कॉल जानेंगे फिर दूसरा भी बजेगा।